इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बी कैन राइट इट एज वन अपॉन अंडर रूट एक्स कॉमन लेते हैं इसमें वन प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स लेट वन प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी तो हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी पुडिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन द इक्वेशन इज हियर तो हम T की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन में टू ये यह अंडर रूट यहाँ पे है इसको लेके ये डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स हो जाता है हमारा क्या T तो इसकी वैल्यू डालते हैं यहाँ पे हम T हाँ इंटीग्रेशन की साइन अभी भी लगी है अब आ जाएगा डी टी हमारे पास तो वन अपॉइंट टू कॉमन लेते हैं वन अपॉइन्ट टी डी टी जैसे कि हम जानते हैं वन अपॉन टी की वैल्यू क्या होती है लॉग में टी प्लस सी लिख देते हैं कांस्टेंट अब हम क्या करते हैं टी की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में तो लॉग टी की वैल्यू क्या आती है वन प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस सी हमारा आंसर आ गया